आज हम बात करेंगे ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, इन केस अगर प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उससे कैसे हम सी सेक्शन के बाद रेडिली जब सी सेक्शन होता है तो आप हॉस्पिटल में ही जब आपका स्टे होता है तो उस दौरान एनपीओ पे रखा जाता है। नाश्ता जो है वो स्टार्ट करवाते हैं किसी बिल्कुल सॉफ्ट सी फूड का, उसमें हम ग्रीन टी रिकमेंड करते हैं क्योंकि जब एनेस्थीजिया दिया जाता है तो जो हमारी गट होती है जी आई ट्रैक उसमें काफ़ी सारी उनको डिस्ट्रैक्शन। अंजीरी में देसी घी ऐड करते हैं, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो जब देसी घी के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखिए स्टिचेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, इन केस अगर प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं या क्या हफाजती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं मिस निमरा अमजद जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिस? ये बताइएगा जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है सी सेक्शन, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? सी सेक्शन के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, ख़वातीन उस किस्म की डाइट नहीं ले पा रही होती, तो क्या आप स्टैंडर्ड डाइट रिकमेंड करती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी? देखिए सी सेक्शन की रीज़न होती ही तब है जब आपने अपनी डाइटरी रिकमेंडेशंस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर प्रेगनेंसी में हम वो उस तरीके से डाइट जो है वो फॉलो नहीं कर रहे होते जिस तरीके से करनी चाहिए, जिसकी वजह से सी सेक्शन को ख़वातीन जो है वो लीड कर जाती हैं, ठीक है। अब सी सेक्शन के बाद रेडिली जब सी सेक्शन होता है तो आप हॉस्पिटल में ही जब आपका स्टे होता है तो उस दौरान एनपीओ पे रखा जाता है। एनपीओ के बाद उनको क्लियर लिक्विड डाइट से जो है हम उनका एनपीओ ब्रेक करते हैं, उसमें हम ग्रीन टी रिकमेंड करते हैं क्योंकि जब एनेस्थीजिया दिया जाता है तो जो हमारी गट होती है जी आई ट्रैक उसमें काफ़ी सारी उनको डिस्ट्रैक्शन महसूस होती हैं, तो ग्रीन टी हम इसलिए देते हैं ताकि उनकी उनका जो ट्रैक है वो सूथनेस फील करे। उसके बाद हम उनको नाश्ता जो है वो स्टार्ट करवाते हैं किसी बिल्कुल सॉफ्ट सी फूड कंपोनेंट से, जैसे कि हम उनको चाय के साथ बिस्किट वगैरह दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक हिसाब से अगर हम बेकरी के बिस्किट देते हैं या कोई वाइट ब्रेड दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं, ब्लोटिंग की तरफ ले जाती है, कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाती है और गैस की तरफ ले जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप सी सेक्शन वाली पेशेंट है आपकी, आप उसको नाश्ता रिकमेंड करने लगे हो तो आप उसको दलिया बनाकर दे दें, पानी में बनाकर दे दें। दूध हम इसलिए नहीं रिकमेंड करते क्योंकि अभी उनके स्टिचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइव स्टिचेस होते हैं, तो एक्टिव स्टिचेस होते हैं, इसलिए हम दूध जो है वो अवॉइड करवाते हैं उनको, ठीक है। दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि कफ़ भी हो सकती है और चेस्ट इन्फेक्शन भी कुछ लोगों को हो जाता है एनेस्थीजिया की वजह से, इसीलिए हम थोड़ा सा मिल्क वेरी फर्स्ट टू डेज़ अवॉइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनको स्नैक के तौर पे फ्रूट जूस या फ्रूट पल्प देते हैं, एज अ होल फ्रूट अभी हम उनको फर्स्ट टू डेज़ नहीं दे सकते। उसके बाद हम उनको दोपहर के खाने में जो है चावल की खिचड़ी, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इसको प्रेफर करती हैं, बट बेहतर ये है कि आप चावल की खिचड़ी के बजाय आप दलिये की खिचड़ी इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके साथ आप यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले दो दिन आपने गोश्त को उसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, उसको बिल्कुल सॉफ्ट करके बिल्कुल रेशेदार जब वो हो जाए उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद शाम के टाइम आप ग्रीन टी ले लें, ग्रीन टी के साथ आप लोग शुगर फ्री बिस्किट मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, एक से दो स्लाइसेस, और उसके बाद शाम रात का खाना जो है वो भी आप रिपीट कर सकते हैं दोपहर के खाने की तरह। तो फर्स्ट टू डेज़ जो है वो आपको क्लियर लिक्विड और सॉफ्ट डाइट पे रहना पड़ता है। उसके बाद थर्ड डे से आपने रोटी इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी होती है। रोटी जो है वो ताज़ा गंदम के आटे की होनी चाहिए, और उसके बाद वो दाल का सूप हो गया, यखनी हो गया, काले चने का शोरबा आप दे सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस को जब सेक्शन के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वीक आपका इसी तरह डाइट में चलता है। सेकंड वीक से आप आहिस्ता आहिस्ता डाइट में प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही 2 to 3 weeks गुजरते हैं आपके जो स्टिचेस होते हैं वो रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बैंडेजेस वगैरह स्टॉप हो जाती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल डाइट की तरफ आ जाते। मिस ये बताइए, अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो गाँव देहातों में रहती हैं, देसी ख़वातीन, वो पंजीरी का इस्तेमाल करती हैं, तो वो कितना मुफीद होता है
उस वाले से थोड़ा गाइड कीजिए। ये एक बहुत इसको एक मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं और एक ज़रूरी भी है ये चीज़ ख़वातीन के लिए, लेकिन हम इसको आजकल के ज़माने में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पिंजीरी में देसी घी ऐड करते हैं, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो जब देसी घी के साथ उसका कम्बिनेशन होता है तो आप देखिए स्टिचेस आपको लगे हुए हैं, कहीं पर भी वोंड है तो वो जाकर स्टक हो जाता है स्टिचेस के साथ आपका देसी घी या कोई भी, क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है फैट। ठीक हो गया, तो आप इस तरीके से पिंजीरी ले सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लें, जैसे ही 2 वीक्स आपके गुजरते हैं आप दूध के एक ग्लास के साथ आप ड्राई फ्रूट का पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी को आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, अगर तो आपका पेशेंट ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, ठीक है, तब आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप रोटी भी लगा के दे सकते हैं उसको घी, जैसे चूरी वगैरह बनती है उसमें आप चीनी और देसी घी डालते हैं, इस तरह की रेसिपीज़ में आप देसी घी उसको दे सकते हैं। सी सेक्शन के बाद खवातीन का वेट बढ़ जाता है, तो वेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी सेक्शन के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिलीवरी हो जाती है तो वेट फीमेल का इंक्रीज़ हो चुका होता है। उसके बाद इसको 3 मंथ्स तक, ये कहा जाता है कि 3 मंथ्स तक आप कोई भी एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए ना करें, क्योंकि 40 डेज तक तो आप उसी कंडीशन में होते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी वेट लॉस की तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स तक आप कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद आप अपनी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 40 डेज के अंदर अंदर जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, अपनी मूवमेंट आप स्टार्ट करते हैं, तो ऑलरेडी ही आपकी बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाती है और वेट जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो रिकमेंडेशंस यही हैं कि 3 मंथ्स के बाद आप वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। सी सेक्शन के बाद खवातीन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती हैं, जैसा कि उनका वेट गेन हो जाता है, उसके साथ साथ बैक पेन का शिकार हो जाती हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया? देखिए, अगर तो आप अपनी सी सेक्शन से पहले आपने अपनी केयर नहीं की है, इसीलिए आप सी सेक्शन की तरफ लीड हो गया। अब सी सेक्शन के बाद भी अगर आप फर्स्ट 40 डेज़ में अपनी केयर नहीं करते हैं तो वो आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लीड करता है। अगर आप जैसे ही आपका सी सेक्शन हुआ है आपने ऐसी डाइट इनटेक करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन आपको 3 मंथ्स तक लास्ट करती है और वो मदर ऑफ़ डिजीज़ होती है, ठीक है। आपको स्टमक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो परस्यू कर जाती है। तो अगर तो हम ख्याल नहीं रखते, डाइट प्रॉपर इंटेक नहीं करते, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ साथ चलती हैं, और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हैं फीमेल्स अगर वो अपने उस 40 डेज़ के अंदर अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कवर नहीं करती और अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेती। बहुत शुक्रिया मिस, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान डॉक्टर यरमाडा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।